अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सब के लिए। ये मेरी बेटी की बर्थडे थी, यानी मेरी बहू की बर्थडे थी, तो उसके कुछ क्लिप्स हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो 1 जनवरी को एक्चुअली मेरी बहू की बर्थडे थी, तो बच्चों ने सोचा कि कुछ सरप्राइज़ उनको देते हैं, तो उन्होंने ये थोड़ी सी अरेंजमेंट वगैरह की थी। एक्चुअली बेटा और बहू तो चले गए थे 31 को, मतलब नाइट को, वो देखने के लिए ना, डाउनटाउन जो फायरवर्क वगैरह होता है सब कुछ। और बेटियां घर में थीं और फिर कज़न्स वगैरह भी आई हुई थी, जाहिर है वेकेशंस थी तो इस वजह से सब बच्चे इकट्ठे थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ प्लान करते हैं, कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं। तो बस फिर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशंस की, मतलब सिंपल सी वैसे। तो बेटी ने ये कर्टन मंगवाया था, ये रोज़ गोल्ड कलर का, और कुछ बैलून्स वगैरह इन्होंने रेडी कर लिए, और इसके अलावा जो भी घर में उन्हें फूल वूल जो भी नज़र आया। तो खैर ये सिंपल सा ही था, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने कुछ ना कुछ किया। तो खैर ये लोग तो फिर ज़ाहिर है थकी हुई थी कज़न्स के साथ मूवी वगैरह देख के, ये लोग तो 3 बजे सो गई। तो फिर मेरा बेटा और बहू तो काफ़ी लेट आए थे, वो लोग तो आई थिंक 4-4:30 के करीब आए थे, क्योंकि ज़ाहिर है डाउन टाउन से बस के जरिए आना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो लोग भी थके हुए थे। लेकिन खैर उन्होंने देखा और वो देख के खैर खुश हुए, और ज़ाहिर उन्हें पता चल गया होगा कि ये बर्थडे का ही कुछ है। तो खैर इनका नेक्स्ट डे का ये था कि कहीं जाके लंच करेंगे और फिर वापस घर आएंगे और फिर केक कट करेंगे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा नहीं, तुम लोग पहले सुबह केक कट करके जाना, क्योंकि फिर जब कहीं भी जाते हैं ना, खाना वाना खाने जाते हैं, तो फिर थके हुए होते हैं और फिर हुलिया ख़राब हो जाता है और फिर पिक्चर्स भी ठीक नहीं आती। तो इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग सुबह केक काट के जाना। और मुझे ये भी था कि जब लास्ट टाइम बहू जब मतलब कनाडा आई थी, तो इन्होंने जो वेलकम का केक था वो भी इस तरह मतलब तरीके से नहीं काटा था, क्योंकि वो भी बहुत टाइट थी, ज़ारा इतना लंबा सफ़र करके वो गई थी, और फिर बच्चे भी थोड़ा बहुत चलो थके हुए थे, लेकिन इतना तो नहीं, लेकिन वो बस अफरा तफरी में ही रहे ना, तो वो बस वो केक ढंग से काटा ही नहीं गया। तो बस अफरा तफरी में उन्होंने वो केक काटा, तो वो ढंग से कोई वीडियो भी नहीं बनी इस तरीके से। तो मुझे ये था, मैंने कहा नहीं, तुम लोग आराम से नाश्ता वाश्ता करके तो केक काट के फिर जाना। तो खैर यहाँ पे मिलजुल के ब्लो की गई कैंडल्स और उसके बाद फिर केक काटा गया। तो खैर बच्चे माशाल्लाह से बड़े खुश थे और बहुत थैंक यू कर रहे थे दोनों, मतलब मेरा बेटा भी और बहू भी, कि बहुत अमेजिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और वाकई बेटी ने बहुत अच्छा अरेंज किया था, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। डिफरेंट तरह की ब्रेड्स थी, कुछ उन्होंने ये जो सामने हमारे बेकरी थी घर के वहाँ से ली थी, ये स्पिनच पैटीज़ हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा क्रोसॉन्ट थे, और ये सिनेमन बंस हैं या सिनेमन रोल्स कह लें, ये भी बहुत मज़े की होते हैं। और ये स्पेशल एक ब्रेड है, ये हेलोपिनो ब्रेड है, ये बहुत मज़े की होती है, इसके साथ ऑलिव्स वगैरह भी होते हैं, तो ये तो वैसे ही मतलब हम लोग खा लेते हैं ना चाय के साथ। इसके अलावा जैम सिरप ये वो, मतलब काफ़ी कुछ था, बच्चों ने मतलब खाया तो इतना वैसे नहीं था, क्योंकि उन्होंने फिर खाना मतलब लंच करने जाना था, तो बहरहाल ये कि जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने खाया, तो लेकिन ये कि बहरहाल अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा ये खूबसूरत से फ्लावर्स जो तो मेरी बेटी लेके आई थी, मतलब दोनों बेटियों ने ये अपनी भाभी को ये गिफ्ट किए थे। और इसके अलावा जो गिफ्ट देना था उसको बर्थडे गिफ्ट, वो मुझे उन्होंने दिखाए काफ़ी चीज़ें, मतलब मॉल गई थी वहाँ पे उन्होंने दिखाए बैग्स वगैरह ये वो काफ़ी चीज़ें। तो खैर वो उन्होंने पहले जो डिसाइड किया था वो उन्होंने ऑनलाइन को सर्च की थी, तो पीपल से उन्होंने एयर रिंग मतलब देखे थे, तो वही हमें अच्छे लगे, तो वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं, अब वो 31 जनवरी को मिलेंगे। तो वो खैर हमने बहू को बता दिया था और वो पिक्चर भी दिखाई थी, तो उसे भी बहुत अच्छे लगे। और एक फ़नी सा कार्ड था मेरी बेटी ने लिया, कहती मामा ये कार्ड मैंने लिया भाभी के लिए, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। और बहू को भी माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी सारा कुछ ये मतलब उन्होंने सेलिब्रेट किया। और मैं क्योंकि वहाँ नहीं थी, मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान में हूँ और छोटी बेटी भी यहाँ पे है, तो हम लोग को उन्होंने खैर पिक्चर्स वगैरह सेंड की और हम लोग देख रहे थे, तो मुझे बड़ी तसल्ली हो रही थी, मैंने कहा चलो जो भी मतलब बच्चे कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। इसके अलावा ओरियो केक लेके आए थे लारोका से, तो वो भी मतलब अच्छा मज़े का होता है। तो मैंने बस ये कहा था, मैंने कहा वो जो केक हम अक्सर लेके आते हैं ना स्ट्रॉबेरी केक, हालांकि वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मेरी अक्सर वीडियोस में वो है और हम लोग अक्सर लेके आते हैं, वो गोल सा बीच में रखा होता है, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या कुछ भी लिखा होता है, कोई भी मतलब ऐसा फंक्शन होता है हम लोग मतलब पता नहीं क्यों वो हम अक्सर ले आते हैं। मैंने कहा बस वो ना लेके आना, ना कोई और डिफरेंट थोड़ा सा लेके आना, या फिर हम लोग कॉस्को से लेके आते हैं, और लॉन्गर्स वगैरह से भी कभी ले लेते हैं, मतलब किसी काम से ग्रॉसरी वगैरह से जाएँ तो फिर जो भी जहाँ से भी मिले हम ले लेते हैं। और हमारे घर के सामने बेकरी से भी बहुत अच्छे वैसे केक मिलते हैं।
तो खैर मैंने बच्चों से कहा था, मैंने कहा मुझे अच्छी वीडियो बना के भेजना। तो फेस तो खैर हम लोग मतलब शो नहीं करते, लेकिन मैंने कहा चलो बहू का हाथ वगैरह जो फ्लावर पकड़े हो तो ज़रा अच्छी तरह वीडियो बनाना। तो मेरा बेटा हर चीज़ को टच कर रहा था और मेरी बेटी की शोर मचा रही थी कि क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को टच कर रहे हैं। कहते हाथ आना चाहिए ना, कहते आपका हाथ नहीं आना चाहिए, जिसकी बर्थडे है उनका हाथ आना चाहिए। Happy birthday to you, happy birthday dear Nabhavi, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear birthday. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. तो खैर घर में केक काटा गया, उसके बाद ये लोग मैंड्रीन आए। मैंड्रीन हमारा बहुत ही मतलब फेवरेट रेस्टोरेंट है और अक्सर हमारी मतलब पार्टीज़ और हम लोग ईद वगैरह पे यहीं आते हैं, और मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं 3-4 कम से कम। तो खैर यहाँ पर भी छोटी सी सेलिब्रेशन हुई, छोटा सा कपकेक काट के, और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ हैट होती है वो उस बंदी को पहनाई जाती है जिसका बर्थडे होता है, फिर बर्थडे सॉन्ग गाया जाता है और पिक्चर खींची जाती है। तो पिक्चर वो तो पता नहीं खींची है कि नहीं, लेकिन पहले तो वैसे खींची जाती थी। और इनकी एक डील भी होती है बर्थडे डील, तो वो खैर बर्थडे डील तो इन्होंने शायद नहीं ली थी, लेकिन खैर बर्थडे इन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, माशाल्लाह सारे बहुत खुश थे, तो खैर हमें भी खुशी हुई। और यहाँ पे ये हाइड एंड सीक हो रहा है, ये हमारी रौनक छुपी हुई है ब्लैंकेट के अंदर और वो खेल रही है मतलब, और मेरी बेटी भी उसके साथ खेल रही है, उसको टिकल कर रही है और वो छुपी हुई है अपनी तरफ से ना, तो बहुत खुश रहती है ना ये ऐसे कामों में तो। और मेरी बेटी भी खैर बड़ी खुश रहती है। तो रात को मेरा बेटा थोड़ा लेट सोता है ना, तो वो मेरी इसकी वीडियो बना बना के मुझे भेजता रहता है ना कि मामा खुश होंगी। Okay, fine, I'll close it up. ये इसकी अदाएं देखे जरा, इतनी क्यूट लगती है ना ये, और इसको भी पता है ना कि ये मेरे साथ खेलते हैं, तो वो भी बड़ी खुश रहती है। और अगर मतलब किसी टाइम होता है ना बच्चे बिजी हैं या कोई गेस्ट आ जाए या कुछ, तो कभी इसको मतलब नहीं इसको इतना टाइम दे पाते, तो उसको मतलब बहुत होता है ना ये तो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे, तो ये खुद ही आके छेड़ती है सबको ना, यानी खुद ही आके ऊपर चढ़ेगी, पंजे मारेगी और इस तरह ना खेलने की कोशिश करती है जानबूझ के। तो खैर माशाल्लाह से बड़ी रौनक है इसकी वजह से हमारे घर में। तो खैर मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।